शालिनी हुसैन और स्वागत है आपका नॉन स्माइल कैंपेन में। किसी के जीवन में छोटी सी स्माइल देती है ना दिल को तसल्ली, इसी उद्देश्य से हमने इस कैंपेन की शुरुआत की है। खास करके कोरोना काल में जो लोग दूसरे के चेहरे पे छोटी सी भी स्माइल लाए हैं, उन्हें हम बना रहे हैं अपने इस नॉन स्माइल कैंपेन का हिस्सा। तो आप भी बन सकते हैं, स्क्रीन पे हमारे नंबर चल रहे हैं, देखिए और अपनी वीडियोस और फोटो हमें शेयर करिए। काफी सारे लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया। इसमें हम शुरुआत करते हैं राकेश नेगी जी से, समाज सेवी राकेश नेगी जी और उनकी टीम की ओर से कोरोना काल में कई सारे लोगों की बहुत हेल्प की गई। बकायदा इन्होंने कोविड सूचना केंद्र भी स्थापित किया है जिसमें रात दिन कॉल बजते हैं, इनकी टीम दौड़ पड़ती है लोगों की हेल्प के लिए। इनकी टीम की ओर से ऑक्सीजन सिलेंडर, ब्लड प्लाज्मा, राशन जैसी सभी जरूरत की सामग्री दी जा रही है। इनकी टीम में अधिकारी, समाज सेवी, डॉक्टर सहित बड़ी संख्या में यूथ शामिल है। खास करके जो इनकी बड़ी उपलब्धि रही इस कोरोना काल में, इन्होंने 1.5 महीने की बच्ची की जान बचाई, वो भी तब जबकि बड़े बड़े अस्पताल भी बच्ची को एडमिट करने से मना कर चुके थे। इन्होंने उसके पेरेंट्स को हिम्मत दी और बच्ची का कोरोना का ट्रीटमेंट कराया। बच्ची आज सुरक्षित है, अपने पेरेंट्स की गोद में खेल रही है। देखिए आखिर कैसे बचाई नेगी जी ने उस बच्ची की जान। नमस्कार, मेरा नाम अरुण आनंद है और ये मेरी वाइफ डॉक्टर शिप्रा और ये मेरी 1.5 महीने की बच्ची अमायरा आनंद। लगभग 1 तारीख के आसपास हमें पता लगा कि मेरी बच्ची और वाइफ दोनों कोविड पॉजिटिव हैं और हम बहुत घबराए हुए थे। शहर के बड़े अस्पतालों में हमने पता किया तो इतनी छोटी बच्ची का कोविड पॉजिटिव केस, कोई हॉस्पिटल एडमिशन लेने को तैयार नहीं था। 5 तारीख के आसपास हमें लगा कि इसकी तबीयत थोड़ी नाजुक हो रही है। 6 तारीख की सुबह हम श्री नेगी जी के संपर्क में आए और उनकी सहायता से हमें उनका आश्वासन मिला कि उनसे हमें पूरा सहयोग और सपोर्ट मिलेगा। और वाकई में ऐसा हुआ क्योंकि 5 तारीख की रात को 10 बजे के आसपास इसका ऑक्सीजन लेवल 80 के आसपास पहुंच गया था और हम तुरंत उनके संपर्क में आए और उनके हेल्प की वजह से उन्होंने डॉक्टर शैलेंद्र और कई अन्य डॉक्टर को ये सूचना दी और इसका 15 से 20 मिनट के अंदर ही इलाज शुरू हो गया। इसको ऑक्सीजन मिलनी शुरू हो गई। लगभग ये 2 दिन तक ऑक्सीजन पे थी और कंटिन्यूसली नेगी जी और उनकी जो पूरी टीम है, बहुगुना जी, सब लोग हमारे साथ कंटिन्यूसली उस रात बने हुए थे। और मैं शुक्रिया करना चाहूँगा दून हॉस्पिटल के डॉक्टर कौशिक जो कि पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के हैं, हेड हैं, और उनकी पूरी टीम, जो सारे डॉक्टर्स और सारे नर्सेज जो दिन रात लगातार लगे रहे इस बच्ची को वापस बचाने में, क्योंकि इसका केस काफ़ी क्रिटिकल हो गया था। तो अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि नेगी जी जैसे लोग बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं लोक गायक रोहित चौहान की। रोहित चौहान की वीडियो भी बीच बीच में दिखाई दिए जिसमें पहाड़ों में लोगों को राशन सामग्री वितरित करते नजर आए, लोगों को जागरूक करते नजर आए। रोहित ने भी मैसेज दिया कि कभी भी किसी को जरूरत है तो उनकी टीम लोगों के लिए हमेशा तत्पर है। देखिए आखिर रोहित किस तरह से पहाड़ों में पहुंच के लोगों की मदद करते हुए दिखाई दिए। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम और आप सभी ने जो इतना सपोर्ट किया है उसकी बदौलत हम लोग डिस्ट्रिक्ट पौड़ी में ब्लॉक पावो में आए हैं, काफी गांवों को कवर करने जहां पर कुछ जरूरत का सामान देना है और कुछ दवाइयां भी जिनमें है। और जो हमारी किट है उसमें 5 किलो आटा, 5 किलो चावल, 1 किलो चीनी, 1 नमक का पैकेट, 2 किलो दाल, 1/2 लीटर रिफाइंड साबुन और दवाइयाँ, महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड्स और ये सब जो एक ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब चीज़ें हमने दी है। दवाइयों में पैरासीटामोल है, विटामिन सी है और ORS है और मुझे लगता है ये मेन ज़रूरत की चीज़ है जो कि एक परिवार को, एक इंसान को इस टाइम पर ज़रूरी है अपने शरीर के लिए भी, चाहे वो खान पान से हो, चाहे वो दवाइयों से हो। और हमारी ये कोशिश है कि हम जितने गांव कवर कर पाए उतने गांव कवर कर सके। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष उषा नेगी की वीडियो भी मलिन बस्ती में लोगों को सामान बांटते हुए दिखाई दी। तपस्या
दून वॉलंटियर्स के मेंबर्स की ओर से भी लोगों को मेडिकल किट और जरूरत की सामग्री दी गई। इसके वीडियोस भी कई बार सोशल मीडिया पे दिखाई दिए। हिलवेल फाउंडेशन की ओर से भी लोगों को जरूरत का सामान दिया गया और खास करके फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए पीपी किट इन्होंने उपलब्ध कराई, मास्क उपलब्ध कराए, सैनिटाइजर उपलब्ध कराए। कोरोना महामारी जो तेजी से पहाड़ी इलाकों में फैलती जा रही है, उसमें हम हिलवेल की तरफ से मेडिकल किट सबको उपलब्ध करवा रहे हैं। साथ ही जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, पुलिस कर्मी जो लोगों का दाह संस्कार करने में मदद कर रहे हैं, हम उनको पीपीई किट और मास्क उपलब्ध करवा रहे हैं। मेरी आप सबसे अपील है कि आप हिलवेल फाउंडेशन को अपना सहयोग। हिलवेल फाउंडेशन ने पुलिस कर्मियों के लिए आज पीपीई किट्स दिए हैं, कुछ मास्क भी दिए हैं आप लोगों ने, और जो शमशान घाट वगैरह पे जो हमारे ड्यूटी में कर्मी लगे हैं उनको भी इस तरह की वो सामग्री दी है। बहुत ही अच्छा कार्य है आज के उसमें, और मैं तो समझता हूँ कि हमारी सभी संस्थाओं को इस तरह से आगे आकर के जिस भी रूप में हम सहयोग कर सकते हैं, बहुत से लोग हमें सिलेंडर्स में सहयोग दे रहे हैं, बहुत से लोग प्लाज्मा में सहयोग दे रहे हैं, तो वो करना चाहिए क्योंकि वार टाइम में, और वार टाइम में हम सारे सोसाइटी को, सारे समाज को एकजुट होकर के मिलकर लड़ना पड़ेगा, तभी सफलता मिलेगी। वही ये बात हो गई देश की, अब बात करते हैं विदेश की। जी हाँ, उत्तराखंड एसोसिएशन ऑफ सिंगापुर की ओर से उत्तराखंड के लिए खास करके राहत सामग्री भेजी गई, मेडिकल किट भेजी गई। सांसद अनिल बलूनी की पहल पे सिंगापुर से मदद की गई, जिसपे बलूनी जी ने एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील थपलियाल जी को बहुत बहुत थैंक यू भी बोला। तो अगर आप भी हमारे नॉनी स्माइल कैंपेन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अपने वीडियो हमसे शेयर करिए, बने रहिए उत्तराखंड की नॉनी के साथ, लाते रहिए आपके लिए कुछ ना कुछ खास। लेकिन इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। उत्तराखंड की नॉनी से जुड़ने के लिए आपका